युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज के प्रति जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के प्रशिक्षण शिविर में युवा मंडल, महिला मंडल के सदस्यों के अलावा पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। शिविर में DC हमीरपुर संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और युवाओं का मार्गदर्शन किया। शिविर में सामाजिक कार्यों के अलावा सरकारी स्कीमों को भी जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। DC हमीरपुर संदीप कदम ने कहा कि युवाओं में लीडरशिप के लिए काम करने के लिए शिविर में जानकारी दी गई ताकि युवा अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। पिछले 3 दिन से नेहरू युवा केंद्र की तरफ से यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटीज के लिए युवाओं के लिए कार्यशाला की गई, जिसमें लीडरशिप के अलावा भी जो विभिन्न सरकारी स्कीम्स है उसके बारे में भी युवाओं को जागरूक किया गया और वो अपने अपने गांवों में अपने अपने जगहों पर किस तरीके से एक सामाजिक और कम्युनिटी लीडरशिप कम्युनिटी को दे सकते हैं जिससे कि कम्युनिटी का विकास हो, इस पे इनको बताया गया। इस तरीके से सराहनीय कैंप्स लगते रहने चाहिए जिससे कि हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्यों में एक स्पीड आ पाए। हमने जो हमारे ग्रामीण विकास कार्यालय के माध्यम से हमीरपुर में जो विभिन्न कार्य चले हुए, फिर वो नरेगा के हो, SDP के हो, या प्लानिंग डिपार्टमेंट से चले हुए कार्य हो या डिपॉजिट वर्क्स हो, सभी कार्यों को तेज़ी से पूर्ण करने के लिए विकास कार्यालयों को, खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक लाल सिंह ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है जिसमें युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। कार्यशाला हमने जिला हमीरपुर के यूथ क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए ऑर्गेनाइज करी और इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा यूथ है उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी इम्प्रूव की जाए ताकि वो अपने कम्युनिटी में डेवलपमेंट का एक एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सके। तो जहां हमने इनको पर्सनालिटी ट्रेड्स पे जानकारी दी वहीं पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी यहां पर बुलाया और उनकी जो स्कीम्स हैं वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दी। अब इसका उद्देश्य ये है कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इनका बढ़ा है उसको वो प्रैक्टिस करें और जो पात्र व्यक्ति है उस तक उस योजना को पहुँचाएँ। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले अपना जो उसके अंदर एक झिझक है उसको दूर करे और अपनी पर्सनालिटी को निखारे। और पर्सनालिटी में हमने मुख्यतः 4 बातों पर बातचीत करी कि हर युवा आज के दिन में जब वो उठता है तो 4 बातों को वो ध्यान में रखेगा। पहली है कि उसका आज फिजिकल, उसका अपने फिजिकल जो उसका बॉडी है उसकी मेंटेनेंस के लिए उसका क्या प्रयास रहेगा आज के दिन में, और दूसरा उसका एजुकेशन और मेंटल स्टेटस कि आज के दिन में उसका क्या टारगेट रहेगा कि वो क्या नया सीखेगा, और तीसरा उसका जो सोशल स्टेटस है उस सोशल स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसका आज के दिन में क्या लक्ष्य रहेगा, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। उसमें हम ये बच्चों को बोलते हैं कि वो चौथा ये एस्पेक्ट पर भी बातचीत करें अपने से स्वयं से कि आज हम अपने इकोनॉमी में, अपने परिवार की इकोनॉमी में, अपने सेल्फ की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे। अगर हर वक्त युवा इस तरह से सोचता है तो निश्चित तौर पर वो एक आगे अच्छा लीडर बनेगा, और जब स्वयं के बारे में कोई सोचता है तो निश्चित तौर पर वो दूसरों को भी अच्छी शिक्षा और प्रेरणा दे सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि नेहरू युवा केंद्र जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वॉलंटियरिज्म के ऊपर काम करता है। आप देखते हैं कि आज हमारा जो मेंटेलिटी है वो कमर्शियल हो चुकी है, तो हर आदमी ये चाहता है कि क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा तभी वो कोई काम कर पाएगा। तो उस वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत रहती है क्योंकि हमारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी कंपोनेंट भी रहता है, तो लोग सोचते हैं कि सारे डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो NYK क्यों नहीं कर रहा है। बट NYK का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना है ताकि बैलेंस बना रहे सोसाइटी के अंदर में, अगर नहीं तो लोग जो हैं वो अपने निजी कार्यों के लिए भी सरकार पर निर्भर रहेंगे। तो उससे हम युवा पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व का निर्माण और उनकी जो ऊर्जा है उसको देश हित में लगाने का कार्य करते हैं।